दत्ता बाबू, आज हम सब लोग यहाँ जो मीटिंग के लिए आए, जो आदमी से मैं मिलाने को आया, वो ये मेरा दोस्त डेविड सेलगाड़ो, गोवा से आया है। ये बोला इसके पास हम सभी के लिए एक प्रॉफिट का धंधा है। हाँ बाबू, मेरा रशिया में एक कांटेक्ट है, हथियार का फैक्ट्री है उसका। वो मेरे को रशिया का लेटेस्ट बंदूक के कंसाइनमेंट मुंबई भेजना चाहता है। बहुत फायदा है उसमें, कम से कम 60% का। कच्चा माइला 60%? आओ, इतना रोकड़ा तो आप उनके किसी भी धंधे में नहीं है। अपनी तो हाँ है बाप, क्या बोलता है ना? सुरेश शिर्के, हम लोग सब यहां पर तुम्हारी हा के लिए नहीं आए हैं। हम लोग यहां दत्ता भाऊ के हा के लिए आए हैं। पूरा अंडरवर्ल्ड जानता है इस शहर में दत्ता भाऊ की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। एकदम राइट बोला पाशा भाई। दत्ता बाबू तो गरीब लोगों के लिए गॉड है, गॉड। और हम साला लोग शैतान, रावण। मेरे को तो ये डील करने का। हे मकरन, तुम क्यों चुपचाप बैठा है, कुछ बोलता नहीं? मैं क्या बोलूं? आपकी क्या राय है दत्ता बाबू? राजन और सिलगाड़ों को आप इस शहर में विदेशी हथियार लाने की इजाजत देंगे? नहीं, हरगिज नहीं। क्योंकि जिस धंधे में तुम लोग सिर्फ मुनाफे की सोच रहे हो, उसमें मैं सिर्फ नुकसान देख रहा हूं। और ये नुकसान उस मुनाफे से कहीं ज्यादा है। अरे, जिस शहर ने हम सबको आबाद किया है, उस शहर को बर्बाद करना चाहते हो तुम लोग? और ये इसका रूसी साथी निकोलाई, जो सिर्फ हथियार ही नहीं आरडीएक्स भी बनाता है, और इस सिलगाड़ो का मेन प्लान यही है। देखो दत्ता बाबू, माल तो माल है और प्रॉफिट प्रॉफिट। मैं तो बोलता हूं, अगर देख गए हो तुम राजन, शर्म आनी चाहिए इस जैसे इंसान से मुझको मिलाने से पहले। हम सब लोग आपस में लड़े कटे मरे, लेकिन हमारे धंधे से आम आदमी पर असर नहीं आना चाहिए। और ये जुर्म मैं तुम लोगों को हरगिज नहीं करने दूंगा। ये काम तो होके रहेगा दत्ता भाऊ, आपके रहते हुए या आपके... ए गोवा छाप, तेरे को मालूम है किससे बात कर रहा है? साला इधर ही ठोक देगा तेरे को। ये मैंने चूड़ियां पहन के नहीं बैठा, इधर अपनी औकात में रह, गपचुप है। साला तू मेरे को मेरी औकात बता रहा है? ए की चोट, अरे तू दत्ता बाबू,
दत्ताबाव, दत्ताबाव को गोली मारा? कौन गोली मारा दत्ताबाव को? तूने मारी? ए, क्या बात कर रहा है पासा? चिल्गाड़ो, तूने तो अभी उनको धमकाया था, तूने गोली मारी होगी? नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो पेट में गोली लगी? तो नीचे से आई होगी ना? अजय नाना, पीछे से गोली आ रहेगा, टेबल ले उठा दो। तूने गोली चलाई? नहीं, मैंने नहीं मारा। तो ये गन कैसी? ये गन मेरा नहीं है। ये मकरंद, तुम मारा? ये पिस्तौल मेरा नहीं है, मैंने नहीं मारा भाव को। ये तेरी? ये राइट गन है अन्ना, यही भाव को टपकाया है। मैंने नहीं मारा। तू कैमरा कैमरा, तू ये सब टेप कर रहा था? तुम रिकॉर्ड किया है? ये तुम्हारा साला। कौन है तू? बोल। महीनों की ताक के बाद तू हमारे हत्थे चढ़ी गया सिलगाड़ो, और ये सब तेरे साथ बोनस। मुंबई शहर के छठे हुए क्रिमिनल। मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं, मैं तो एक क्राइम रिपोर्टर हूं। मकरन जा, जो यहां पर इन सबका पर्दाफाश करने के लिए आया था। मारा इन्हें? इस असीन के साहब ने। नहीं साहब, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा किसी को साहब। भाव दत्ता सामंत की मौत ने पूरे शहर में खलबली मचा दी है। हजारों की तादाद में उनके समर्थक और चाहने वाले सड़कों पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। लोगों के लिए दत्ता भाव किसी मसीहे से कम नहीं थे। और अब अन्य समाचार। मकरन से मैं हमेशा यही कहती थी कि ये स्टिंग ऑपरेशंस तुम्हें एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देंगे, लेकिन उसे तो करप्शन और क्राइम को जड़ से मिटाने का फूल सवार था। तो कितने समय से वो इस गैंग में काम कर रहे थे अंडरकवर? 6 महीनों से। वो तो राजन के धंधे का पर्दाफाश करना चाहते थे। दत्ता भाव को मारकर और शहर से दुश्मनी लेकर उन्हें क्या मिलने वाला था? क्यों मारेंगे वो दत्ता भाव को? सर, वो तो एक रिपोर्टर है, कोई क्रिमिनल नहीं, खूनी नहीं सर। खून मकरन ने किया। जब मैं यहां पहुंचा तो इस वेयरहाउस में ना तो कुछ छिपा हिटमैन था और ना ही कोई दूसरा आदमी। गोली टेबल के नीचे से चली है, दत्ता भाव के ठीक सामने से। टेबल के नीचे तुम्हें क्या मिला केडी? ये गन जो मर्डर वेपन है।
और इसके अलावा ये सब कचरा, ये लोहे का रोड, ये रस्सी, बोतल, कंघी, अखबार। तो इस कचरे पर किसी के उंगलियों के निशान वगैरह कुछ? इस गन पर मकड़न झा की उंगलियों के निशान जरूर है केडी। ऐसे क्या केडी? वुड पॉलिश स्मेल, यही स्मेल मुझे वहां उस टेबल से भी आ रही है। रस्सी, बाकी सामान का जांच होना बाकी है। फॉरेंसिक से पहले तुम इसे नहीं छू सकते। ओके। आज का ये मुकदमा क्राइम की दुनिया के नामचीन मुजरिमों को लेकर है, इसलिए अदालत ने फैसला लिया है कि ऐसी नाजुक स्थिति में आवाम को इस हियरिंग से दूर रखा जाएगा। ये एक स्पेशल क्लोज डोर हियरिंग जहां सिर्फ मुजरिम और कानून के पहरेदार मौजूद रहेंगे। Let the proceedings. Your Honor, गोवा पुलिस के इंस्पेक्टर कामत और मैं पिछले कई महीनों से हथियारों के सौदागर डेविड सिलगाड़ो को ढूंढ रहे थे, और उस दिन फहीम पाशा के वेयर हाउस में हम उसी को पकड़ने गए थे, लेकिन लग देखिए ये बाकी भी हमें वहीं मिल गए। और वहां हमें मिली दत्ता भाऊ की लाश, उनके पेट में गोली का जख्म था। इंस्पेक्टर दवे, उस वेयर हाउस में और कौन था? कोई छुपा हुआ शूटर, कोई हिटमैन? जी नहीं, सिर्फ दो बॉडीगार्ड्स, हाथ में गन लिए दत्ता बाबू के पीछे काफी दूर खड़े थे, और ये चार गैंगस्टर टेबल पे थे मकरन के साथ। इसके अलावा वहां कोई नहीं था। तो जाहिर है कि खून उन दो बॉडीगार्ड्स ने नहीं किया होगा, और कत्ल का हथियार ये गाने इंस्पेक्टर साहब? जी, ये मकरन के पैरों के पास उस टेबल के नीचे, और इस पर मकरन की उंगलियों के निशान भी हैं। तो आपके मुताबिक इंस्पेक्टर दवे, मकरन ने टेबल के नीचे से अपने ठीक सामने बैठे हुए दत्ता भाव पर गोली चलाई, राइट? योर ऑनर, एक कमरे में मकरन झा, क्राइम रिपोर्टर जिसने आज तक एक ट्रैफिक सिग्नल तक नहीं तोड़ा, उसी कमरे में चार मशहूर डॉन जिनके खिलाफ कत्ल के अनगिनत केस चल रहे हैं। यह सोचना भी बेवकूफी होगी कि यह कत्ल मकरन झा ने किया है। केजी, मकरन ने भले ही आज तक एक भी ट्रैफिक सिग्नल ना तोड़ा हो, लेकिन कई लोगों की हड्डियां जरूर तोड़ी है। किराना, सायन पुलिस स्टेशन में मकरन पर एक केस दर्ज, ये रहा उसका सबूत, जहां उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का इल्जाम लगाया गया है। ये काम मुझे करने पड़े थे जब मैं राजन अन्ना के गैंग में अंडरकवर था। वरना उन्हें मुझ पर शक हो जाता। शक तो अब हो रहा है तुम पर मकरन, कि सीधे अटेम्प्ट टू मर्डर से तुम मर्डर पे आ गए, और इस बात का सबूत हमें देंगे फॉरेंसिक्स के डॉक्टर, डॉक्टर रस्तोगी। योर ऑनर, दत्ता भाव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है एकदम ट्रेजेक्टरी शॉट है, गोली उनके ठीक सामने से चलाई गई है, उनके सामने वाली कुर्सी से जहां पर मिस्टर मकरन जा बैठे थे। डॉक्टर रस्तोगी, क्या यह मुमकिन नहीं कि गोली इन चारों में से किसी एक ने टेबल के नीचे अपने हाथ का एंगल बदलकर चलाई हो, ताकि एंगल से लगे कि गोली मकरन ने चलाई? जी हाँ, हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर रस्तोगी, क्योंकि इस गन पर सिर्फ मकरन झा की उंगलियों के निशान है। अगर इन चारों में से कोई होता ना, तो उसकी उंगलियों के निशान भी इस पर जरूर होते, जो नहीं है। ओके, डॉक्टर रस्तोगी, क्या ये मुमकिन है कि वो गन किसी रिमोट कंट्रोल डिवाइस से चलाई गई हो? नहीं केडी, इस गन में कोई अटैचमेंट या सेंसर नहीं है, ये तो एक सिंपल सी गन है। और ये एक सिंपल सा खून है योर ऑनर। योर ऑनर, मकरन झा की दत्ता भाऊ से कोई ज्यादा दुश्मनी नहीं थी। दत्ता भाऊ को मारकर इन्हें क्या हासिल होगा? There is no motive for murder. मिस्टर पाठक, शायद आप नहीं जानते कि मकरन के पिता कौन थे। भ्रष्ट नेता प्रवीण झा, तो जिनकी मौत आज से 9 साल पहले
दत्ता भाव के गैंग ने ही की थी। तो मकरंद, पिता की मौत का बदला अंडर कवर होकर अच्छी तरह पूरा किया तुमने। ब्रिलियंट जी, ये सच है कि मेरे पिता की हत्या दत्ता भाव के गैंग ने ही की थी, लेकिन उनके भ्रष्टाचारी होने की वजह से मैं उनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ चुका था। मैं उनकी मौत का बदला क्यों लूंगा? मैंने किसी को नहीं मारा, किसी को नहीं। तुम्हारे कहने और करने में बहुत फर्क है मकरंद। Let me remind you कि उस पूरे मीटिंग में तुम बहुत घबराए हुए थे, और ये बात इन सारे कैदियों के बयान में मेंशन है। Your Honor, सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी उस वेयरहाउस के मालिक फहीम पाशा को। जी मैडम, हमारी पूरी मीटिंग में मकरंद चुप चुप सा था, घबराया हुआ और सहमा सा। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि ये आदमी कौन है और इसका इरादा क्या है तो मैं उसकी जान ले लेता। मिस्टर पाशा, अपने आप में रहिए, आप अदालत में खड़े हैं। गुस्सा की हुजूर, गुस्सा की। मैं अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पाया, पर दत्ता भाऊ मेरे लिए देवता समान थे, मेरे बड़े भाई जैसे। एक ऐसा सोशल वर्कर जिसे सारा समाज पूछता था, और इस इंसान ने मिस्टर फहीम पाशा, उस दिन जहां ये मीटिंग हुई थी वो वेयर हाउस आपका है जहां आप रस्सिया बनाते हैं, पाशा रूप्स, राइट? जी हाँ। क्या ये भी सही है कि मीटिंग शुरू होने से पहले आपके ही आदमियों ने सबकी तलाशी ली थी ताकि कोई हथियार लेकर अंदर ना जा सके? जी हाँ। जब तलाशी ली गई थी तो मकरंद के पास वो गन कैसे आई? ऐसा भी हो सकता है मिस्टर पाशा कि आपने पहले से वो गन अपने वेयर हाउस के टेबल के नीचे छुपाई हो और मौका देखकर दत्ता भाऊ पर गोली चलाया। नामुमकिन है केदी। क्यों नामुमकिन है? फहीम पाशा दत्ता भाव के बिल्कुल करीब लेफ्ट साइड पर बैठे हुए थे और वहां से गोली चलाने का एंगल नहीं बनता, और उसका प्रूफ है ये फुटेज जो मकरंद के खुफिया कैमरे ने रिकॉर्ड किया है। प्रोसिक्यूटर साहिबा, जब कत्ल का इरादा हो तो इंसान मौका ढूंढ ही लेता है। मिस्टर पाशा, दत्ता भाव की मौत के बाद पुलिस ने उनकी गाड़ी की तलाशी ली और गाड़ी के नीचे से ये रिमोट कंट्रोल बम मिला, और मुझे पूरा यकीन है कि ये बम आप ही ने अपने देवता समान भाई की गाड़ी के नीचे लगवाया था। क्या क्या बकवास है ये? क्या सबूत है आपके पास वो बम मैंने लगवाया? सबूत है इस बम से जुड़ी हुई ये रस्सी जो आपके वेयरहाउस में बनी है। इस बम पर आपके बॉडीगार्ड गज्जू की उंगलियों के निशान, और गज्जू ने पुलिस के सामने ये कबूल भी किया है कि आपके कहने पर ही उसने ये बम गाड़ी के नीचे लगवाई थी। जी हाँ, मैं दत्ता भाऊ को मारना चाहता था। क्योंकि उनके जाने के बाद उनकी गद्दी मैं ही संभालता। लेकिन इस इंसान ने मुझे बचा लिया एक गुनाह करने से। दत्ता भाऊ को मेरे पहले मारकर शुक्रिया मेरे दोस्त, तुम्हारा एहसान मैं नहीं भूलूंगा। देखिए, मैं एक बिजनेसमैन है, हथियार का धंधा करता है, आज तक लाइफ टाइम में कभी हथियार यूज नहीं किया, और ये मर्डर मैंने किया ही नहीं। क्या आप मानते हैं मिस्टर सिलगाड़ो कि दत्ता भाव की मौत से सबसे ज्यादा फायदा आप ही को था, क्योंकि आप ही वो आर्म्स डील लेकर उनके पास गए थे? बॉस, अपुन तुमको एक बात बोलेगा, जिस वक्त ये गोली चली थी ना, उस टाइम मेरे दोनों हाथ उस सिरके के खंधे पे था। He's absolutely right, Your Honor. Please, जरा ये फुटेज देखिए। इसीलिए ऑनर डेविड सिलगाड़ो का गोली चलाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैडम सही बोलता है, गोली इसने चलाई थी क्योंकि पाशा शेख के वेयरहाउस में आते टाइम इसने अपनी शर्ट में गन छुपाते हुए मैंने देखा था। झूठ बोल रहा है ये, मेरे पास कोई गन थी नहीं। और अगर थी भी तो आपने दूसरों को इस बारे में क्यों नहीं बताया? मेरे को लगा
इसका और राजन अन्ना का कोई प्लान होगा दत्ता भाऊ को टपकाने का। इन दोनों का लफड़े में मेरा फायदा होने वाला था और वही छुआ, लेकिन पुलिस बीच में आकर पूरा गेम बिगाड़ दिया। योर ऑनर, मेरे अगले विटनेस मिस्टर शिर्के। नमस्कार करला माय बाप, कैसा है साहब? पिछला टाइम से कुछ वेट कम किए लाए, मॉर्निंग वॉक शॉक चल रहा लगता है बाप। मिस्टर शिर्के, कत्ल के वक्त आप वहाँ क्या कर रहे थे? मैं जी आप? मैं उस लुक के सिलगाड़ों को उसका औकात बता रहा था। और इस फुटेज के अनुसार आपके भी हाथ उनके गिरेबान पर थे। और नहीं तो क्या, कॉलर सिर्फ क्या वही पकड़ सकता है मेरा? ए साला, मिल तू सेल में मेरे को, कॉलर के साथ तेरा गर्दन भी उखाड़ दूंगा। मिस्टर शिर्के, प्लीज बिहेव योरसेल्फ। सॉरी माय बाप, क्या करूं, जंगली हूं ना, गुस्सा साला हमेशा इधर रहता है। और उसी गुस्से में आकर आपने दत्ता भाऊ की जान ले ली, क्योंकि दत्ता भाऊ ने आपके ड्रग्स का धंधा बंद करवा दिया था, राइट? हाँ, पन भाव ने तो पासा और राजन अन्ना के भी धंधे को बंद करा दिया था, उनसे पूछो ना आप। ये दत्ता बाबू के बंगले के बाहर सिक्योरिटी कैमरा से ली गई कुछ तस्वीरें हैं। इसमें ये आदमी 6 दिन तक लगातार नजर आ रहा है। ये आप ही की गैंग का आदमी है ना, शूटर बाबर? दिखता तो वही है, गया होगा भाऊ के पास में फरियाद लेके। भाऊ दयावान था ना साहब, अच्छा बुरा सबका सुनता था। हाँ, लेकिन बाबर दत्ता भाऊ के साथ बहुत बुरा करने वाला था। कल रात को पुलिस ने बाबर को गिरफ्तार कर लिया और बाबर ने पुलिस को बताया कि वो आपके कहने पर दत्ता भाऊ की जान लेने वाला था। क्या ये सही है या नहीं? क्या फर्क पड़ता है साहब, मारने का इरादा करना एक बात और मारना दूसरी बात। अरे मारा तो इस मकरंद ने है, मानना पड़ेगा इसको। जो काम अखा अंडरवर्ल्ड का भाई लोग मिलके नहीं कर सका, वो काम ये रिपोर्टर ने कर दिया। बचा लो इसको केडी, जेल से छुटूंगा तो अपनी गैंग में रख लूंगा। किराना, मिस्टर शिर्के और डेविड सिलगाड़ो के हाथ एक दूसरे के गिरेबान पर थे और फहीम पाशा दत्ता भाव की बिल्कुल लेफ्ट साइड पर बैठे हुए थे, इसीलिए इन तीनों का गोली चलाना इम्पॉसिबल है। लेकिन राजन अन्ना का गोली चलाना बिल्कुल मुमकिन है योर ऑनर। इस फुटेज में साफ जाहिर है कि जिस समय गोली चली राजन अन्ना टेबल के नीचे झुके थे। मैं उन्हें कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। मिस्टर शिर्के, आप जा सकते हैं। थैंक यू माय बाप। अरे हां, अपन तो एक बात बताना भूल ही गया। ये जो गन है ना, राजन अन्ना का है। अपुन ने उसको बेचे ला था। क्यों राजा नन्ना, सही बोल रहा ना? चलता साहब। हाँ, वो गन मेरा ही था, मैंने ही मकरंद को दिया था। लेकिन मेरे को क्या मालूम, मकरंद मेरा गन लेके दत्ता भाऊ को उड़ा देगा। हाँ, लेकिन दत्ता भाऊ की मौत से आपका एक बहुत पुराना बदला पूरा हुआ। 10 साल पहले आपके भाई मशहूर क्रिमिनल राघव अन्ना, दत्ता भाऊ के आदमियों ने ही मारा था उन्हें, राइट? एकदम सही, मारा था मेरा भाई को। वो बहुत ही बुरा आदमी था, दुश्मन मुल्क का साथ मिलके ड्रग्स लाना चाहता था इधर, ड्रग्स। दत्ता भाऊ उसको बहुत समझाया, पैसा का वास्ते ऐसा गलत काम नहीं करने का, लेकिन वो नहीं समझा, धपका दिया। एकदम सही किया। ये पाशा भाई, ये तो उसका पैरों का चप्पल का भी काबिल नहीं है, ये क्या उसका कुर्सी पर बैठेगा? एक बात बताइए राजा नन्ना, जिस समय गोली चली उसी समय आप टेबल के नीचे झुके थे, क्यों? क्योंकि वो सिलगाड़ो और शिर्के का धक्का मुक्की में मेरा सेलफोन नीचे गिर गया था, उसको उठाने के लिए झुका था मैं। रियली परफेक्ट टाइमिंग टेबल के नीचे छिपाए हुए गन को चलाने का। ए लॉयर, क्या बात करता है तुम? राजा नन्ना है मैं, राजा नन्ना। अगर मेरे को किसी को टपकाना है ना, तो मैं उसका आंखों में आंखें डालकर इधर सेंटर में गोली चलाएगा। अगर मैं दत्ता भाऊ को टपकाया होता
तो ये अदालत में सबका सामने जाति ठोक कर बोलता मैं मारा है। वो तो अच्छा हुआ कि अपना सेल फोन उठाने के लिए मैं नीचे झुका, तभी मैं मकरंद को टेबल का नीचे से दत्ता भाऊ को गोली चलाते हुए देखा। देखा मैं, हाँ यही यही मारा दत्ता भाऊ को। नहीं, ये मुझे फंसा रहा है। चुप, मैं तुमको फंसा रहा है कि तुम मेरे को फंसा रहा है? हाँ, मेरा गैंग में मेरा आदमी बनकर मेरा गेम बजाने का सोचा? जाओ सीधा जेल जाओ अभी। चुराना, राजन अन्ना की आखिरी गवाही बिना किसी शक के ये साबित करती है कि मकरंद झा ने ही दत्ता भाव का खून किया है। फाइनली योर ऑनर, इस केस में एक प्रॉपर आई विटनेस। The court is adjourned. दवे, दवे, सुन ना। दवे, वो जो बाकी का एविडेंस था वो तुमने बोला था जमा होगा, लेकिन हुआ नहीं। कहाँ है वो सब? वो सब कचरा, वो टूटी हुई कंघी बोतल, वो सब। हाँ, केडी, वो सब तो बेकार है। फॉरेंसिक स्कोर से कुछ नहीं मिला। अच्छा, तो ये कचरा अगर तुम्हारे लिए बेकार है तो कैन आई हैव इट? मुझे मिल सकता है? ठीक है, ठीक, मैं पिकअप करवा लूंगा। थैंक यू। ए पांडो, अरे लाइट ऑन ऑफ क्यों रे बाप? अरे जेल में डिस्को चालू किया है क्या? तो भेज ना कोई आइटम को नाचने के वास्ते। ए शिरके, तू भी तो एक मस्त आइटम है रे, तू भी डांस कर ना। ए साला, तेरी जात का सुअर मारो। तेरी तो पागल मत बनो, पागल मत बनो, छोड़ो छोड़ो। हट साला, अपन बेकार का गोवा से इधर को आया और तुम लोगों की वजह से अपन पकड़ा गया। तुम्हारी वजह से हम लोग पकड़े गए। पुलिस उस दिन तुम्हें तलाशने वहां आई थी। पाशा भाई, पुलिस का पास हम लोग का कोई भी सबूत नहीं है, और अगर है तो वो सिर्फ मकरंद के पास है। और जिस दिन मकरंद को फांसी का सजा हुआ, उसका अगला दिन हम सब लोग फ्री। आना ठीक बोल रहा है, फिर अपन लोग जो मर्जी चाहे कर सकता है, कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं, दत्ता भाव भी ना है। ए आना, अरे साला तूने सच्ची में मकरंद को गोली मारते हुए देखा या फिर दुश्मनी निकाल रहा है उससे बाप? आ? नहीं, हम तो बस दोस्ती निभा रहा हूं असली खूनी के साथ। तो तू जानता है कि खून किसने किया था? वो दिन टेबल का नीचे मैं देखा गोली कौन चलाया। अच्छा, किसने? लगता है पाशा भाई अब मेरे को उसका नाम बताना ही पड़ेगा। हाँ तो बोला, डरता है क्या? ये राजा नन्ना किसी का बाप से नहीं डरता है, वो गोले हुसैन। किसने मारा तुमको? कौन मारा तुमको? ए साला, मेरे को क्या देख रहे ले बाप?
ए कसम अपन राजा नन्ना को नहीं मारा, मानता है ये औजार अपन का है, अपन ने गुस्सा में आके सिलगाड़ों पर फेंक कर मारा, उसी ने राजा नन्ना को मारा होएगा। ये बताइए मिस्टर शिर्के कि राजा नन्ना के कत्ल के पीछे कारण क्या था, क्या वो ऐसी कोई बात जानता था जिससे आप तीनों को खतरा था? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। झूठ बोल रहे हो तुम। राजा नन्ना जानता था कि कातिल कौन था और वो उस पर से पर्दाफाश करने वाला था। योर ऑनर, राजा नन्ना की मौत इन चारों के बीच गैंग वॉर का नतीजा है। इसका दत्ता भाव के कत्ल से या मकरन झा पर लगे आरोप से कुछ लेना देना नहीं है। इसीलिए मेरी आपसे दरखास्त है कि अभी सिर्फ दत्ता भाव के मर्डर केस पर ही तवज्जो दिया जाए। मंजूर। मिस्टर शिर्के आप जा सकते हैं। ओके बाप। केडी, इस केस में तुम्हारा अगला विटनेस कौन है? योर ऑनर, मेरा अगला गवाह वही है जिसकी छत्र छाया में ये खून हुआ, यानी कि ये टेबल जिसके नीचे से गोली चली। योर ऑनर, कत्ल के ठीक पहले इस टेबल को पॉलिश किया गया था। इस गन पर यानी कि मर्डर वेपन के बट पर इस पॉलिश के निशान है। ये रस्सी जो एविडेंस में रखी गई है, जो टेबल के नीचे पाई गई थी, उस पर भी इस पॉलिश के ट्रेसेस हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब योर ऑनर के किसी ने इसी रस्सी से इस गन को टेबल के इस पैर के नीचे बांधा था, जहां पर अभी भी गन की खरोंच के निशान है। कातिल ने इस गन को यहां बांधा और वो रस्सी ट्रिगर होल से गुजरती हुई उसके हाथों तक पहुंची, जिसे खींचकर उसने उस गन को चलाया और दत्ता भाव की जान। योर ऑनर, केडी की थ्योरी बचकानी है। चार मंझे हुए खतरनाक क्रिमिनल डॉन्स और उनमें से एक का रस्सी खींचकर गोली चलाया। योर ऑनर, सबसे पहले ये करना ही मुश्किल है, और दूसरा, सिलगारो और शिर्के के हाथ ऊपर थे, इसीलिए वो तो गोली चलाने से रहे, और राजा नन्ना, उनकी तो मौत हो चुकी। हाँ, लेकिन फहीम पाशा। केडी, प्लीज प्लीज अलाउ मी टू फिनिश फर्स्ट। चलो मान लेते हैं कि ये सब कुछ फहीम पाशा ने ही किया। सबसे पहले फहीम पाशा ने बंदूक को रस्सी से बांधा, फिर रस्सी को इस टेबल के पैर से बांधा, और फिर रस्सी का दूसरा एंड अपने पैरों से बांधा, फिर वेल मकरन, गोली चलने के कितने टाइम बाद इस टेबल को वहां से हटाया गया था? जी, कुछ 30 सेकंड के बाद। ऐसी 30 सेकंड, यानी कि 30 सेकंड बाद जब इस टेबल को वहां से हटाया गया, तो उसके पैर में वो बंदूक बंधी मिलनी चाहिए थी, ऐसा था? जी नहीं, गन तो सिर्फ जमीन पर ही गिरी हुई थी। केडी, 30 सेकंड के कम टाइम में खूनी गन और रस्सी को कैसे अलग कर सकता था? उसके पास इतना टाइम ही कहा था कि वो सारी गांठें खोले, रस्सी को अलग करे, गन को अलग करे। इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल केडी, तुम्हारी थियोरी बेकार है। टेबल के पैर पर गन के निशान, रस्सी और गन पर पॉलिश के निशान, इससे तुम्हारी दलील का कुछ कुछ अंदाजा जरूर होता है केडी, लेकिन प्रणाली के सवालों का जवाब दिए बिना तुम इस दलील को आगे नहीं बढ़ा सकते। अनफॉर्चुनेटली योर ऑनर, इस समय मेरे पास प्रोसिक्यूशन के सवालों का कोई जवाब नहीं, लेकिन अगर मुझे एक दिन की मोहलत दी जाए तो मैं इसे साबित कर दूंगा। ठीक है, कल सुबह 11 बजे इस अदालत में हम फिर मिलेंगे, लेकिन याद रहे, अगर कल तुम्हारे पास जवाब नहीं हुआ तो यह केस प्रोसिक्यूशन के पक्ष में जाएगा। घंटे से तू इस रस्सी की ऐसी की तैसी कर रहा है। मुझे लगता है ये रस्सी भी कह देगी कि केडी मेरे भाई, मेरा इस केस से कुछ लेना देना नहीं, छोड़ दे मुझे प्लीज। जिलमिल, ये देख, देखिए पूरी रस्सी गंदी है, लेकिन इन 3 जगहों पर ये रस्सी साफ है, समझा?
केडी, इससे क्या साबित होता है मेरी समझ से टोटली बाहर है। तेरी समझ के तो बाहर ही होगा। इसका मतलब ये होता है कि इन तीन जगहों पर रस्सी को नॉट बांधकर यानी कि गांठ बांधकर रखा गया था, इसलिए यहां से गंदी नहीं हुई, समझा भी? और 30 सेकंड में तीनों गांठें भी खोल दी। कमान केडी, छोड़िए रस्सी को, वरना ये रस्सी तेरे क्लाइंट के लिए फांसी का फंदा बन जाएंगी। चल कुछ और करते हैं। बात तो तेरी सही है, कभी कभी समझदारी की बात कर लेता है तू। अब ये केस की गुत्थी तभी सुलझेगी जब इस रस्सी की गुत्थी सुलझेगी। 30 सेकंड में 3 नॉट खुले कैसे? प्रोसिक्यूशन के सवालों का जवाब है तुम्हारे पास? 30 सेकंड में खूनी ने गोली चलाकर अपना पैर रस्सी से और रस्सी को गन और टेबल से जुदा कैसे किया? Absolutely, Your Honor. और इस जवाब को पाने के लिए मुझे अपने स्कूल के दिनों में वापस जाना पड़ा, जब मैं बॉय स्काउट्स में था, जहां हमें तरह तरह के नॉट्स यानी कि गांठ बांधना सिखाया जाता था। उनमें से एक यह है Your Honor. रीफ नॉट या मैजिक नॉट योर, जिसे लूज करने से नहीं टाइट करने से खुलती है, ऐसे। योर ऑनर, एविडेंस में रखी हुई रस्सी के 3 जगहों पर निशान होना इस बात का संकेत है कि उन्हीं 3 जगहों पर बिल्कुल ऐसी ही गांठ बांधी गई थी, यानी कि मैजिक नॉट्स। मैं अदालत को बताना चाहूंगा कि कैसे और कहां ये गांठ बांधी गई थी। राहुल, गन एंड स्टॉप वॉच प्लीज। सबसे पहले योर ऑनर, रस्सी में पहली गांठ से गन को टेबल के पांव पर बांधा गया। दूसरी गांठ से ट्रिगर को अटकाया गया। और तीसरी गांठ से योर ऑनर, रस्सी को कातिल के पैरों में अटकाई गई थी। तबे प्लीज, अब देखिए योर ऑनर, पहली बार खींचने से ट्रिगर दबा, गोली चली और गांठ खुला। दूसरी बार खींचने से गन जमीन पर गिरा और तीसरी गांठ छोर को पांव के नीचे दबाकर और रस्सी जमीन पर टेबल के नीचे जहां मौका वारदात पे पाई गई। तवे कितना समय हुआ? 16 सेकंड। अमेजिंग, माना कि खून ऐसे ही हुआ है, लेकिन तुम यह कैसे साबित करोगे कि यह खून किसने किया है? यह भी साबित किए देता हूं। Your Honor, पहली 2 गांठ बांधने के बाद ये रस्सी इस कुर्सी के लिए लंबी है, इस कुर्सी के लिए भी और इस कुर्सी के लिए भी, लेकिन इस कुर्सी के लिए परफेक्ट मैच। उस कुर्सी पर मिस्टर शिरके बैठे थे Your Honor. Your Honor, इस रस्सी का पहला छोर मर्डर वेपन से और दूसरा छोर शिरके के पैरों से बंधा था, यानी कि कातिल शिरके है। ये सब बकवास है, बकवास। अपन भाई है भाई, ये रस्सी उस्सी लेकर अपन किसी का खून नहीं करेगा। अरे अपन को मारना होएगा तो सामने से ठोक देगा। और हाँ, ये गांठ वोट बांधना अपुन को नहीं आता। तुमसे अच्छा जाल बुनना किसे आता होगा मिस्टर शिरके? 10 साल तक तुम एक मछुआरे थे, जाल बुनने के एक्सपर्ट, हर तरह की गांठ बांधना आता है तुम्हें। अब बताओ अदालत को,
क्यों मारा तुमने दत्ता भाव को, क्यों मारा तुमने राजन अन्ना को? बोलो। तुम्हारी चुप्पी से क्या हम ये समझ ले कि तुम इन बाकियों की तरह बहादुर नहीं? भाई नहीं, डरपोक हो, कायर हो तुम। अपुन किसी से नहीं डरता। हाँ, अपुन ने इच मारा उस बुड्ढे को। साला जब से सुधरा अपुन के धंधे की वाट लगा डाला, अपना आधा धंधा बंद करवा दिया, इसलिए यह जामा आईला उसका रिटायर होना जरूरी था। अपुन ने मकरन की रिवाल्वर को चुरा कर पासा भाई के गोडाउन में वो रस्सी की सेटिंग किया ताकि इल्जाम उस पर लगे जो उस कुर्सी पर बैठे। ये बताइए मिस्टर शिर्के कि राजन अन्ना के कत्ल के पीछे कारण क्या था? क्या वो ऐसी कोई बात जानता था जिससे आप तीनों को खतरा था? राजन अन्ना ने अपुन को टेबल के नीचे से रस्सी खींचते हुए देख लिया था। अदालत में उसने झूठ इसलिए बोला, वो मेरे को ब्लैकमेल करना चाहता था मेरा आधा धंधा के लिए। जब मैंने उसको ना बोला तो सबके सामने मेरे बारे में बोलने की धमकी दी, इसलिए अंधेरे का फायदा उठाकर अपुन उसको उधर ही ठोक डाला। अपुन ने ही दोनों खून किया है जज साहब, मकरंद बेकसूर है। मुलजिम सुरेश शिर्के के इकबाली जुर्म के बाद यह अदालत उसे भाऊ दत्ता साटम और राजन रेड्डी के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाते हुए मकरंद झा को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज। मुबारक। कमाल कर दिया केडी आपने, एक रस्सी के बलबूते पर पूरा का पूरा केस सॉल्व कर दिया। थैंक यू केडी, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। वैसे एक बात पूछनी थी आपसे। पूछो। केडी का मतलब क्या है? व्हाट डज दिस केडी स्टैंड फॉर? हाँ, केडी स्टैंड्स फॉर जस्टिस। मैं तुमसे नहीं, मोनिका से प्यार करता हूं। ये लो अपनी मंगनी की अंगूठी। वी आर फिनिश्ड। चुप। उस औरत के लिए तुम हमारा 10 साल का रिश्ता तोड़ना चाहते हो?
ए, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। रुको, ए, रुको, रुको। पुलिस को फोन करो। किसने जैन पे गोली चला दी? मेरा उसके साथ झगड़ा हुआ था, लेकिन मैंने उसका खून नहीं किया। प्लीज मुझे बचा लो केडी। काम डाउन। कहाँ है जैन? अपने फ्लैट में। केडी, क्या है? इंस्पेक्टर साहब, यही है। गिरफ्तार कर लीजिए इसको। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं जानता हूँ इसे, मेरी दोस्त है। केडी, तुम्हारी इसी दोस्त ने इस आदमी का खून किया है। नो। डायरेक्ट सीने में गोली लगी है। बड़ा वेपन? ये रहा। ये बैग आप ही का ना सारिका जी? हाँ, लेकिन केडी, ये गन भी इसी बैग से बरामद हुई। ये खून मैंने नहीं किया है, मैं सच कह रहा हूँ, ये खून मैंने नहीं किया। फिर किसने किया? इंस्पेक्टर साहब, इस रूम में सिर्फ यही दोनों थे और तीसरा कोई भी नहीं था। शायद था। या फिर अभी भी है। ये फुटप्रिंट देख रहे हो तबे? लेकिन खून मैंने नहीं किया साहब, खुदा कसम मैंने नहीं किया। खून किसने किया ये तो अब अदालत में ही पता चलेगा। फिर मैंने अपने फ्लैट से दोनों के बीच हाथापाई होते हुए देखा, फिर सारिका जी मेरी नजरों से हट गई और फिर एक हल्की सी आवाज, यानी कि आपने सारिका को अपने मंगेतर डॉक्टर जयंत पर गोली चलाते देखा? जी नहीं, तब तक वो मेरी नजरों से बाहर चली गई थी। उनके पास गन थी या नहीं ये मैं नहीं देख सका। और आपने गोली चलने की आवाज भी नहीं सुनी? जी। मिस्टर वेंकट, आप डॉक्टर तोलानी के सामने वाले फ्लैट में उनकी मंगेतर यानी कि मिस सारिका जायसवाल को अक्सर आते देखते थे, इज दैट राइट? जी, और दोनों हमेशा झगड़ते रहते थे, दो दो बजे रात तक, और कभी कभी तो डॉक्टर जैन सारिका के ऊपर हाथ भी उठा दिया करते थे। कमाल है मिस सारिका जायसवाल, आप डॉक्टर जैन तोलानी को इतने सालों से जानती थी, 10 सालों से जानती थी, और 4 साल पहले तो आप दोनों की मंगनी भी हुई थी। 4 years इज अ वेरी लॉन्ग टाइम मिस सारिका जायसवाल, शादी में डिले क्यों? जी, मैं तो हमेशा जैन पर शादी का दबाव डालती रही, पर वो ही उसे डालता रहा। क्योंकि वो आपसे नहीं किसी मोनिका से प्यार करते थे, राइट? ये बताइए कि उस रात जब आपने इसी बात को लेकर डॉक्टर तुलानी का सामना किया तो उनका क्या रिएक्शन था? आई मीन, उन्होंने अपनी गलती मान ली, आपसे माफी मांगी उन्होंने? जी जी हाँ। आप झूठ बोल रही है मिस सारिका जायसवाल, पकड़े जाने पर डॉक्टर जैन तुलानी ने उल्टा सीना जोड़ी की और आपसे रिश्ता तोड़ने की बात की। योराना, ये है डॉक्टर जैन तुलानी की एंगेजमेंट रिंग जो पुलिस को उनके फ्लैट के फ्लोर पर मिली। सो मिस जायसवाल, प्लीज बताइए कि कोई अपनी उंगली से एंगेजमेंट रिंग उतारकर फ्लोर पर क्यों फेंकेगा? जवाब दीजिए मिस जायसवाल। हाँ जैन, रिश्ता तोड़ रहा था मुझसे, और वो भी कोई आम रिश्ता नहीं है रॉन, 10 सालों के भरोसे का रिश्ता जो जब एक ही पल में टूट गया तो मिस सारिका जायसवाल का प्यार नफरत में बदल गया, और ताक में आकर उन्होंने पर्स से गन निकाली और डॉक्टर जैन तुलानी की हत्या कर दी। नहीं, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, मैंने जैन को नहीं मारा। और रियली,
तो फिर ये गन जिसकी गोली से डॉक्टर जैन चलाने की हत्या हुई है आपके पास में कैसे पहुंची? ये मेरी गन नहीं है। योर ऑनर, ये गन अनलाइसेंस्ड है। इस पर किसी की उंगलियों के निशान नहीं, सारिका के भी नहीं। और अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये सारिका की गन है तो कत्ल के बाद ये इसे फेंक देती या छिपा देती। ये अपने आप को फंसाने के लिए गन को अपने बैग में क्यों रखती? केटी, हर कातिल कोई ना कोई गलती जरूर कर बैठता है और ये सारिका जायसवाल की गलती थी। ये सारिका की गलती नहीं, किसी और की होशियारी है जिसने मौके का फायदा उठाकर गोली चलाई। सारिका, याद करो कि जयंत कहां खड़ा था जिस वक्त उसके सीने में गोली लगी। उससे हम बता सकते हैं कि गोली किस दिशा में चली। मुझे पता नहीं, क्योंकि हम तैश में इतना हिलडुल रहे थे कि गोली कब कहां से चली कुछ पता नहीं चला। तुम्हें गोली की दिशा का पता नहीं, लेकिन शायद अलमारी में छुपा हुआ चोर बैराम हमें इसके बारे में कुछ बता सके। सलाम साहब। बैराम, अदालत को बताओ कि उस रात तुम अलमारी में क्या कर रहे थे। साहब, पीछू के पाइप से चढ़ के खिड़की खोल के उस खाली फ्लैट में चोरी करने को गया था साहब। फिर अचानक बाहर से किसी को आते हुए सुना, मैं डर के मारे सामने के अलमारी में जाके छुप गया था साहब। और फिर? फिर दरवाजा खुला, मेम साहब और वो साहब एक दूसरे में गाली गलौज करते हुए घर के अंदर आए। उन दोनों में तूतू मैं चलती रही। फिर अचानक वो आदमी का मर्डर हो गया और मैडम भाग गई। खुदा कसम साहब। ऑर्डर ऑर्डर। तो तुमने गोली चलने की आवाज नहीं सुनी? जी नहीं साहब। अच्छा, सारिका मैडम के वहां से भागने के बाद तुम अलमारी में ही छुपे रहे, क्यों? मैं बहुत डर गया था साहब, इसलिए वहीं रहा। जैसे मैं निकलने वाला था वो साहब अंदर आ गया और मैं और भी फंस गया था साहब। तुम अब तक तो नहीं फंसे हो बैराम, लेकिन अब फंसने वाले हो। जी जी। ये वही पैंट है जो तुमने उस रात पहनी थी? जी जी। क्यों, इनकी जेबों में क्या है? जेब में कुछ नहीं साहब, खुदा कसम मैं आते वक्त पूरी तलाशी दिया था साहब। मैं नहीं मानता, बताओ मुझे जेब। ये देखो, तुम्हारी पैंट की जेब के अंदर की लाइनिंग का ब्लू धागा। केटी, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि खून गन से हुआ है, ना कि किसी धागे से। योर ऑनर, जेब से निकला धागा चोर निकलकर भागा। योर ऑनर, इस मर्डर वेपन पर गौर कीजिए। इस पर भीग कर सूखे हुए कागज के छोटे छोटे टुकड़े लगे हैं और जगह जगह ऐसे ही नीले रंग के धागे भी। योर ऑनर, अक्सर हम अपने जेब में कोई पुराना बिल या कोई पर्चा या कोई कागज रखकर भूल जाते हैं। फिर वो कागज कपड़ों के साथ धुलकर सूखकर जेब के अंदर की लाइनिंग के धागों के साथ मिलकर ऐसा हो जाता है। थैंक यू फॉर योर थ्योरी केटी, लेकिन इसका केस से क्या ताल्लुक? प्रोसिक्यूटर साहिबा, इस गन पर लगे कागज के टुकड़ों से साफ जाहिर है कि ये गन एक ऐसी जेब में रखी गई थी जिसमें कोई बिल या पुराना कागज रखकर भूल गया था। योर ऑनर, ये गन अनलाइसेंस है। ये गन सारिका से ज्यादा तुम्हारी होनी चाहिए क्योंकि इस पर तुम्हारे नीले पैंट का नीला धागा लगा है। नहीं, ये गन मेरी नहीं है, मेरे पास तो बिना धार का चाकू था, मैंने किसी को नहीं मारा। क्या बात है, इस बार तुमने खुदा की कसम नहीं खाई? खुदा कसम, खून मैंने नहीं किया, खूनी तो वो मैडम है। तुमने इन मैडम को खून करते हुए देखा? हाँ देखा, उन्होंने अपने बैग से पिस्तौल निकाली, सांप पे तानी, गोली चलाई और भाग गई। ऑर्डर।
थैंक यू बेटा। श्योरली सॉरी केटी, जिसे तुमने प्रोसिक्यूशन के खिलाफ खड़ा किया था वो तो तुम्हारे ही खिलाफ होगी। योराना, बैराम की इस गवाही ने उसे इस केस में दूसरा चश्मदीद गवाह बना दिया, जिसने सारिका को डॉक्टर जैन की हत्या करते हुए देखा। योर ऑनर, ये गन किसी ने लेडीज बैग से नहीं, एक जेब से निकाली है। मेरी थियोरी के मुताबिक तुम्हारे थियोरी के मुताबिक ही की थी। गन सारिका के पर्स के अंदर से ही निकली है, क्योंकि इस पर्स के अंदर की जो लाइनिंग है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वो भी ब्लू है। योर ऑनर, मैं चाहूंगा कि फोरेंसिक्स की टीम इस गन पर लगे कागज के टुकड़ों को जोड़े, इससे मुझे यकीन है कि हमारे केस को मदद मिलेगी। यू आर राइट केडी। डॉक्टर अस्तोगी? यस सर। यस सर। योराना, मेरा अगला गवाह डॉक्टर जैन के पड़ोसी मिस्टर दिवाकर गुप्ता। जी, मैं अपने घर में टीवी पर कॉमेडी सर्कस देख रहा था कि नीचे के फ्लैट से झगड़ने की आवाज सुनी। मुझे लगा हमेशा की तरह दोनों में आपसी तूतूमे में चल रहा होगा, लेकिन जब मैंने सुना कि डॉक्टर जयंत रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हैं तो मुझे लगा इस पर मामला सीरियस है। फिर अचानक गन की आवाज सुनी, फिर सारिका की चीख सुनी। मैं भागता हुआ सीढ़ियों से नीचे आया कि सारिका को बाहर भागते हुए देखा, और मैंने इन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन ये भाग गई। फिर आपने क्या किया? फिर मैं अपने घर गया और इंटरकॉम से सिक्योरिटी को फोन किया। एक मिनट, बहराम का कहना है कि आप सारिका के जाते ही डॉक्टर जयंत के फ्लैट में आए, क्या यह सही है? नहीं, मैं तो घबरा गया था, मैं वहां नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। इंटरेस्टिंग। योर ऑनर, इस केस के तीनों गवाहों की गवाही से यह केस और भी उलझ गया है। मिस्टर वेंकट कहते हैं कि ना तो उन्होंने गन देखी ना गोली चलने की आवाज सुनी। बैराम कहता है कि देखी, आप कह रहे हैं कि आपने सुनी। बैराम ने कहा कि आप उस फ्लैट में गए थे, आप कह रहे हैं कि आप नहीं गए थे। वेरी कंफ्यूजिंग योर ऑनर। चलिए देखते हैं अगला गवाह सिक्योरिटी गार्ड थापा क्या कहता है। सलाम साहब। थापा, उस दिन जब मैं बिल्डिंग में आया था तुमने अपने यूनिफॉर्म के साथ कुछ और भी पहना था, हाथों में सफेद ग्लव्स। आज नहीं पहना? हाँ साहब, गंदा हो गया था ना, इसलिए धोने को ले लिया हूँ। अच्छा, खैर ये बताओ कि तुम उस फ्लैट में पहुंचे कब? हाँ साहब जी, मैं सिक्योरिटी कैबिन में बैठा था, 702 से दिवाकर साहब का फोन आया इंटरकम पर। उन्होंने फोन पर बोले कि ऊपर मर्डर हो गया है, मैं भाग के ऊपर चले गया साहब जी। इंटरेस्टिंग, तुम्हें दिवाकर साहब का फोन आया और दिवाकर साहब का ये कहना है कि वो डॉक्टर जयंत के फ्लैट में गए ही नहीं, उन्होंने महज गोली चलने की आवाज़ सुनी थी। तो गोली चलने की आवाज़ से उन्हें ये अंदाज़ा कैसे हो गया कि किसी का मर्डर हो गया? और हाँ, तुमने कहा कि 702 से फ़ोन आया था, 702 तो डॉक्टर जयंत का फ्लैट है, दिवाकर का फ्लैट 802 है, और उनका ये कहना है कि वो 702 में कभी गए ही नहीं। मैंने जो सुना जो देखा वही बता रहा हूँ, दिवाकर साहब 702 में थे। झूठे, मुझे क्यों फंसा रहा है? ऑर्डर ऑर्डर। मैंने क्या बताया किसी को कि तू फ्लैट के बाहर दरवाजे के पास खड़ा होकर कान लगाकर सब सुन रहा था? प्लीज सिट डाउन मिस्टर दिवाकर। सॉरी सर, सॉरी। योर ऑनर, इस चौथे गवाह से तो कहानी और भी उलझती जा रही है। थापा, मुझे तुम पर शक हो रहा है, तुम क्यों गए थे डॉक्टर जयंत के फ्लैट में? साहब, मैं वॉचमैन ड्यूटी करने के साथ साथ गाड़ी भी धोता हूँ ना साहब जी, उसका पगार मांगने को ले गया था। अच्छा, ये वही गाड़ी है ना थापा, जिस पर तुम ड्राइविंग चलाना सीख रहे थे डॉक्टर जयंत की परमिशन लिए बिना, और तुमने गेट में ठोक दी थी गाड़ी, वही गाड़ी है? हाँ साहब जी, सीखते टाइम पर थोड़ा नुकसान तो हुआ है, ठोक दिया था। 80,000 का नुकसान हुआ था, और डॉक्टर जयंत ने बोला था ये नुकसान इसे ही भरना पड़ेगा। एक बार और आउट ऑफ टर्न बोले मिस्टर दिवाकर तो आपको इस कोर्ट रूम से बाहर निकाल दिया जाएगा। सॉरी सर। यू मे प्रोसीड केडी। तो थापा, तुमने
गोली चलने की आवाज सुनी थी या नहीं? नहीं सुनी साहब। कमाल है थापा, डॉक्टर जैन तुमसे 80,000 रुपया भरने को कह रहे थे और तुम उन्हीं से पैसे मांगने चले गए। मैं होता तो कभी उन्हें अपनी शक्ल ही नहीं दिखाता। हाँ साहब जी, मैं तो उनके साथ माफी मांगने गया था। 80,000 का हर्जाना कैसे भर सकता? तो आप जब गए उनके दरवाजे पर, अपने घंटी बजाई थी? हाँ साहब जी, बजाई थी। अच्छा, लेकिन बहराम और सारिका ने तो अपने बयान में घंटी का कोई जिक्र ही नहीं किया। फिर आगे बोलो, क्या हुआ? हाँ साहब जी, मैं जब गया, घंटी बजाया, दरवाजे से बाहर से सुन रहा था, अंदर जोर जोर से झगड़ रहे थे। मैंने सोचा कि ऐसे झगड़ा को टाइम पर माफी मांगना जाऊंगा तो उल्टे मेरे जान ले लेंगे और डांटेंगे। ये सोचकर वहीं से मुड़कर मैं वापस भाग गया साहब जी। अच्छा, तो ये बताओ थापा के इन दोनों का झगड़ा किस बात पर हो रहा था? कुछ सुना होगा तुमने? नहीं साहब, दरवाजा बंद था, क्लियर बात कैसे सुनेगा? योर ऑनर, कमाल है, इन चारों गवाहों के बयान से केस और भी कंफ्यूजिंग होता जा रहा है। मिस्टर दिवाकर का कहना है कि उन्होंने अपने फ्लैट के बंद दरवाजे से कॉमेडी सर्कस के हंसी के शोर में से नीचे यह सुन लिया कि डॉक्टर जयंत सारिका को छोड़ने वाले थे, लेकिन तुमने उस फ्लैट के दरवाजे पर कान लगाकर भी कुछ नहीं सुना। बोलता क्यों नहीं कि डॉक्टर जयंत का मेंडर खुला हुआ था? मिस्टर दिवाकर, दोनों की आवाज पूरे कॉरिडोर में गुजरी थी। पता ना, अंदर घुसा होगा तू ना। That's it, मिस्टर दिवाकर, प्लीज लीव द कोर्ट रूम। योर ऑनर, मैं मिस्टर दिवाकर से। मिस्टर दिवाकर, आप अभी बाहर जाइए। मिस्टर दवे, इन्हें बाहर निकालिए। चलो। योर ऑनर, मिस्टर दिवाकर गुप्ता को कैसे पता था कि डॉक्टर जयंत के फ्लैट का दरवाजा खुला था? विच मीन्स के वो भी उस समय कॉरिडोर में था। थापा, क्या डॉक्टर तुलानी के फ्लैट का मेन डोर खुला था? जी मैडम। तो फिर झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम चाहते हो कि सारिका जायसवाल के बदले तुम्हें उसके अंधेरे में खड़ा किया जाए? नहीं मैडम, मुझे क्यों, मैंने खून नहीं किया। मैंने तो खुले दरवाजे से झांकते हुए खून करते हुए देखा। अब आए तुम पॉइंट पे, और खून किसने किया? वो मैडम ने गोली चलाकर सांप को खून किया। ऑर्डर, ऑर्डर। और दरवाजा को और आ रही थी, मैं डर के मारे लिफ्ट से नीचे चले गया, भाग गया। मर्डर इन्होंने किया? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। थैंक यू थापा। योर ऑनर, एक और चश्मदीद गवाह। सॉरी केडी, तुम्हारा हर पासा पलट रहा है। योर ऑनर, मिस्टर वेंकट स्वामीनाथन, सिक्योरिटी गार्ड थापा, चोर बैराम और पड़ोसी मिस्टर दिवाकर गुप्ता, चारों के बयान में फर्क है। कोई कहता है कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना, कोई कहता है देखा लेकिन सुना नहीं, कोई कहता है सुना लेकिन देखा नहीं। लेकिन एक बात है केडी, जहां चारों के बयान मिलते जुलते हैं, किराना इन सभी का मानना है कि खून सारिका जायसवाल ने ही किया है। मिस्टर वेंकट ने सारिका को फ्लैट के अंदर आते देखा, मिस्टर दिवाकर गुप्ता ने सारिका को फ्लैट से भागते देखा, और थापा और बैराम ने तो सारिका को गोली चलाते देखा। ऑर्डर, ऑर्डर। सर, इन टुकड़ों को हमने जोड़ दिया है। योर ऑनर, ये किसी रेस्टोरेंट का बिल है, मुगल कुछ। लकीली इस पर बिल नंबर अभी भी इंटैक्ट है, बिल नंबर 653। योर ऑनर, मुझे लगता है कि अगर उस बिल बुक से हमें इस बिल की कॉपी मिल गई तो शायद हमें यह पता चले कि यह बिल किसका था। जिसका बिल उसी का गन, और जिसका गन वही कातिल। जो सारिका जायसवाल ही है केडी। केडी, इट्स एब्सोल्युटली क्लियर, चार अनजान लोग जो एक दूसरे को नहीं जानते, चारों के बयान अलग, लेकिन नतीजा एक, खूनी सारिका जायसवाल है। शी इज द किलर केडी, कैसे बचाओगे तुम उसे? ये आपको बता दिया तो बात ही क्या रही।
योर ऑनर, अगली पेशगी में मैं साबित कर दूंगा कि सच क्या है। जर्मिल वहां फिट हो जाएगा तू? केडी अगर किसी भी चीज को हाथ लगाया तो ग्लव्स पहने दबे क्या? जब देखो एक ही डायलॉग बोलता रहता। ट्राई करना। देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। तो बहुत छोटा है यार, इससे बड़ा नहीं है क्या? कैसे बोल? ओह शिट, बंद कर इसको। ठीक है, जा दबे दरवाजे की आड़ लेके खड़े हो जा, थापा की जगह। डॉक्टर जयंत की लाश यहाँ गिरी थी और किसी ने गोली चलने की आवाज भी नहीं सुनी। गन पे साइलेंसर लगा था केडी। राइट दवे, तो कहाँ गायब हो गया वो साइलेंसर? दवे तू वहां से मुझे देख पा रहा है? हाँ, मुझे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है केडी। और जर्मिल तू? मुझे भी एकदम साफ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि तुम दोनों मुझ पर गोली चला सकते हो, या फिर ये कहो कि सारिका को गोली चलाते हुए देख सकते हैं। केडी वो देखो, वेंकट भी हमें साफ देख सकता है वहां से यहाँ का नजारा तो वहीं जाकर देखो। सर देखिए, उस पर्दे की आड़ में मैंने डॉक्टर जयंत को गिरते देखा, और सारिका तो पर्दे के पीछे थी। फिर वेंकट ने घबराकर मुझे उठाया और कहा कि सामने के फ्लैट में किसी को गोली लगी है, तो मैंने भी वही देखा, डॉक्टर जयंत की लाश जमीन पर और सारिका उसे देखकर भाग गई। क्यों चश्मदीद गवाहों का भी वो बिल्कुल क्लियर था, किसी को भी नजर का धोखा नहीं हो सकता। धोखा सिर्फ तुम्हें हो रहा है, सारी कई खूनी। योर ऑनर, ये वही मिसिंग रेस्टोरेंट बिल की कॉपी है। मुगल दरबार, बिल नंबर 653, तारीख 17 अप्रैल 2011। ऑर्डर एक तंदूरी चिकन, एक चिकन कोरमा, 4 बटर नान। और इस ऑर्डर को भेजा गया था होम डिलीवरी से इस पते पर, फ्लैट नंबर 802, डनहिल टावर्स, मिस्टर दिवाकर गुप्ता का फ्लैट। क्या? देखिए आप मिस्टर गुप्ता, इससे पहले कि जज साहब आपको एक बार फिर से अदालत के बाहर करते हैं, आइए कटघरे में आइए। मिस्टर गुप्ता, ये बिल आपका है? जी हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खून मैंने किया है। अच्छा, तो ये बताइए कि आप तो ऊपर अपने फ्लैट में थे, आपको कैसे पता कि आपके नीचे वाले फ्लैट का दरवाजा खुला है? जी जी, मैं सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रहा था। मिस्टर गुप्ता, कमाल है नहीं कि आपने सीढ़ियों से उतरते समय गोली चलने की आवाज इतनी क्लियरली सुनी, लेकिन बहराम जो उस फ्लैट के अलमारी में बैठा था और सिक्योरिटी गार्ड थापा जो दरवाजे के बाहर खड़ा था, दोनों का यह कहना है कि उन्होंने गोली चलने की आवाज नहीं सुनी। सच तो यह है मिस्टर गुप्ता कि आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। हुआ यह कि आप गन लेकर सीढ़ियों से उतरे, वहां से आपने निशाना लगाया, आपने डॉक्टर जयंत का कत्ल किया, और जैसे ही सारिका वहां से भागी, आप चुपके से अंदर गए और आपने रिवॉल्वर सारिका के बैग में छिपा दिया। इज दैट राइट? जी नहीं, मैं डॉक्टर जयंत को क्यों मारूंगा? आपने डॉक्टर जयंत को उनका फ्लैट खरीदने का ऑफर दिया, आप ड्यूप्ले बनाना चाहते थे लेकिन उन्होंने मना कर दिया, हो सकता है यही वजह हो। देखिए, ड्यूप्लेक्स का शौक पूरा करने के लिए मैं अपने ऊपर वाला फ्लैट भी खरीद सकता हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि नीचे वाला फ्लैट ही खरीदूं। आप तो घबरा गए मिस्टर गुप्ता। डोंट वरी, ये बिल आपका है, लेकिन वो बिल नहीं जिसे हम ढूंढ रहे हैं। क्या मतलब? ये बिल नंबर 653 नहीं है? यस योर ऑनर, ये मिस्टर दिवाकर गुप्ता का बिल नंबर 658 है। किसी ने इस 8 को खुरच कर 3 बनाया है। ये देखिए, बिल नंबर 653 अभी भी मिसिंग है। इस केस को गुमराह करके मिस्टर दिवाकर पर इल्जाम लगाकर। यू आर राइट इंस्पेक्टर दवे, ये बिल तुम्हें उस रेस्टोरेंट के मैनेजर ने दिया था ना? जी, और अगर आप इजाजत दे तो मैं अभी उस धोखेबाज को यहां लेकर आता हूं। इजाजत।
योर ऑनर, इससे साफ जाहिर है कि किसी ने मुगल दरबार के मैनेजर को घूस या धमकी देकर उससे बिल बदलवाया है, और यह सारिका नहीं हो सकती क्योंकि इस केस के शुरुआत से सारिका पुलिस की हिरासत में है। लेकिन प्रोसिक्यूशन का केस चार लोगों की गवाहियों पर टिका है केडी, जिन्होंने सारिका को डॉक्टर जैन की हत्या करते हुए देखा। यू राइट, और इन चारों में से झूठ कौन बोल रहा है वो मैं अब साबित करूंगा। उन्हें यहां अलग अलग बुला के योर ऑनर, इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि फिलहाल बैराम और थापा को अदालत से बाहर भेज दिया जाए। सावंत, बैराम और थापा को बाहर ले जाओ। चलिए। मिस्टर बैंकर, आप यहां कटघरे में आइए। मिस्टर दिवाकर, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। मिस्टर बैंकर, सबसे ज्यादा मुझे आपके बयान पर यकीन है क्योंकि आपने कहा है कि आपने खून होते हुए नहीं देखा, राइट? जी, मैंने सारिका के हाथों में गन नहीं देखा। आपने सारिका के हाथों में गन नहीं देखा और आपने गोली चलने की आवाज भी नहीं सुनी। जी। तो अगर आपने सारिका के हाथ में गन नहीं देखी तो बेफिजूल में आपसे मैं क्यों पूछूं कि आपने साइलेंसर देखा या नहीं। एनीवे, आप बैठ सकते हैं। योर ऑनर, अगले गवाह बैराम को बुलाया जाए प्लीज। मिस्टर बैराम यादव अदालत में हाजिर हो। बैराम, अलमारी में छुपकर तुमने सारिका को उनके मंगेतर का खून करते हुए देखा? हाँ साहब, गन से। और वो गन उन्होंने कहाँ से निकाली थी? अपने उस बैग से, बाद में उसी में डाल दी। अच्छा, और साइलेंसर का क्या? साइलेंसर? हाँ, साइलेंसर। जाहिर है कि जब तुमने 20 फुट की दूरी से गोली चलने की आवाज नहीं सुनी तो गन पर साइलेंसर लगा होगा। क्या किया उन्होंने उस साइलेंसर का? साइलेंसर को सारिका मैडम ने खिड़की के बाहर फेंक दिया। पक्का? जी साहब, खुदा कसम। तुम झूठ बोल रहे हो बैराम, क्योंकि मिस्टर वेंकट ने अपने बयान में कहा है कि उन्होंने सारिका को साइलेंसर जेब में डालकर भागते हुए देखा। हाँ हाँ, बताओ तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं भूल गया होगा। क्या सच बोलना भूल गए थे? सच तो यह है बैराम कि तुमने साइलेंसर तो दूर, तुमने सारिका के हाथ में गन ही नहीं देखा। क्या यह सही है या नहीं? हाँ साहब, हाँ, मैंने झूठ बोला। ना मैंने गन देखी ना साइलेंसर। मैं तो सारिका मैडम को फंसाना चाहता था। ताकि आप लोगों का शक मेरे पे ना आए, खुदा कसम। लेकिन मैंने खून नहीं किया साहब, खून नहीं किया। थैंक यू बैराम, तुम बैठो। योर ऑनर, आखिरी चश्मदीद गवाह सिक्योरिटी गार्ड थापा। इजाजत। मिस्टर गोपाल थापा अदालत में हाजिर हो। सारिका को अपने मंगेतर का खून करते हुए देखा गन से? जी साहब। वो गन कहां से निकाली थी उन्होंने? उन्होंने आपने बैग से निकाला, खून किया, वापस बैग में डाला। पुलिस को वो गन बैग से ही मिली थी, लेकिन साइलेंसर नहीं मिला। साइलेंसर का क्या किया उन्होंने? साइलेंसर? हाँ, जाहिर सी बात है कि अगर गोली चलने की आवाज नहीं आई तो कत्ल साइलेंसर से हुआ होगा। क्या किया उन्होंने वो साइलेंसर का? देखा होगा तुमने। हाँ हाँ, साइलेंसर को जेब में डाला और बाकी? गलत थापा, क्योंकि अभी अभी मिस्टर वेंकट और बैराम ने हमें बताया कि सारिका ने वो साइलेंसर खिड़की के बाहर डाला था। झूठ बोल रहे हो तुम। जी साहब, मैं झूठ? हाँ झूठ बोल रहे हो तुम। तुमने ना गन देखा, ना साइलेंसर देखा, ना सारिका को गोली चलाते हुए देखा। क्या यह सच है या नहीं? हाँ हाँ साहब, मैंने झूठ बोला।
क्योंकि सारा सब सबका सारी का मैडम पर जाए और मुझ पर नहीं। मैं क्या करता, बिना बजे फंसने से पहले मैंने सोचा कि सब लोग जो बोल रहे हैं वही बोल दूं, लेकिन मैंने खून नहीं किया। मैं खूनी नहीं हूं जैसा, मैं खूनी नहीं हूं। देखते हैं, तुम बैठो। योर ऑनर, इस केस के चार गवाह। सबसे पहले मिस्टर वेंकट, जिनका ये कहना है कि उन्होंने सारिका को खून करते हुए नहीं देखा। दूसरे मिस्टर दिवाकर गुप्ता, जिन्होंने सारिका को लड़ते हुए सुना और भागते हुए देखा लेकिन खून करते हुए नहीं देखा। तीसरे और चौथे सिक्योरिटी गार्ड थापा और चोर बैराम, जिन्होंने अभी अभी अदालत में अपना झूठ कबूल किया है। किसी ने सारिका को खून करते हुए नहीं देखा, तो किस बिना पर हम सारिका को खूनी घोषित कर सकते हैं योर ऑनर? आई एग्री केडी, लेकिन ये कत्ल किसी ने तो किया है। गन अगर किसी ने नहीं देखी, लेकिन किसी ने तो चलाई है। व्हाट टाइमिंग दे, मिल गया रेस्टोरेंट का मैनेजर? नहीं केडी, योर ऑनर, मेरे मुगल दरबार पहुंचने से पहले ही वहां का मैनेजर फरार हो गया और वो बिलबुक भी वहां से गायब थी। जब तक मैनेजर मिलता नहीं, कातिल तक पहुंचना मुश्किल है। कौन हो सकता है वो? कौन? मिस्टर वेंकट, आई वंस अगेन नीड योर हेल्प। यस सर। मिस्टर वेंकट, आपको पक्का यकीन है कि आपने अपनी खिड़की से उस फ्लैट में किसी और को नहीं देखा? नहीं सर। तो शायद गोली कहीं और से चली थी, अलमारी से या मेन डोर के पीछे से या कोई तीसरी जगह से? सॉरी सर, इतनी दूर से अंदाजा लगाना कि गोली कहां से चली है, ये मेरे लिए कहना मुश्किल है। सॉरी, आपको तो इतनी दूर से पता भी नहीं चला होगा कि हुआ क्या। सर, जब गोली चलने की आवाज उस फ्लैट में मौजूद ये लोग नहीं सुन पाए, तो फिर मैं कैसे सुन सकता हूँ? तो फिर आपने आधी रात को अपनी पत्नी को उठाकर ये क्यों कहा कि सामने वाले फ्लैट में किसी को गोली लग गई है? जी यस, मिस्टर वेंकट, आपने आधी रात को अपनी पत्नी मिसेस जया स्वामीनाथन को उठाकर उनसे ये कहा कि सामने वाले फ्लैट में किसी को गोली लग गई है। आपको कैसे पता? बस ऐसे ही वो अचानक जमीन पर गिरा तो? हाँ, तो हार्ट अटैक हो सकता था, चक्कर आ सकता था, गोली लगी, ये बात आपको कैसे पता? क्योंकि मैंने डॉक्टर जयंत की छाती पर गोली लगते देखा, खून आते देखा, सिंपल। इसका मतलब कि डॉक्टर जयंत की छाती आपकी तरफ थी? डॉक्टर जयंत की छाती आपकी तरफ थी, गोली भी आपकी तरफ से ही चली है। मैंने मिस्टर वेंकट, गोली आपने ही चलाई है। केडी, अगर गोली मिस्टर वेंकट ने चलाई थी तो वो गन उस फ्लैट में कैसे मिली? क्योंकि वेंकट खुद उस गन को अपने साथ लेकर गया था। मिस्टर वेंकट, मुझे यकीन है कि आपका नाइट सूट भले ही ग्रे कलर का था, लेकिन उसकी जेबों की जो लाइनिंग है वो नीले रंग की होंगी। आप गन लेकर वहां गए और जब पुलिस बॉडी की तफ्तीश कर रही थी, बड़ी सफाई से बिना उंगलियों के निशान लगे आपने वो गन सारिका के बैग में रख दिया। खून आपने किया है मिस्टर वेंकट, एडमिटेड। और इस बात का अंदाजा मुझे तब हुआ जब मैंने आपके घर में वो शूटिंग ट्रॉफीज देखी। और वैसे भी मिस्टर वेंकट, एक बार मुगल दरबार का मैनेजर पकड़ा गया तो वो आपका नाम ले ही लेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि पुलिस को आपकी घर की तलाशी के दौरान आपके घर में से वो साइलेंसर जरूर बरामद हो। एडमिटेड मिस्टर वेंकट, ये कत्ल आपने किया है, मान लीजिए इस बात को। हाँ हाँ, मैंने ही मारा डॉक्टर जैन, मैंने ही मारा। Quiet, please. 2 साल पहले डॉक्टर जयंत उलानी की गैर जिम्मेदारी की वजह से मेरी माँ की मौत हो गई।
मेडिकल एग्लिजेंस, और फिर मैं डॉक्टर से अपनी माँ की मौत का बदला लेना चाहता था, क्योंकि ये दोनों हमेशा फ्लैट में आपस में लड़ाई करते रहते थे और मैं मौके का इंतजार किया। फिर उस रात जब मैंने उन दोनों को झगड़ा करते हुए देखा तो मैंने सोचा कि आज मैं अपनी माँ की मौत का बदला ले सकता हूँ। और फिर वो रेस्टोरेंट का बिल मैंने ही बदलवाया था, सारे का भी कसूर। अरेस्ट माय केस योर ऑनर। तमाम गवाहों के बयानात सुनने के बाद यह अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि डॉक्टर जयंत तोलानी का कत्ल बदले की भावना से मिस्टर वेंकट स्वामीनाथन ने किया है, इसलिए मिस्टर वेंकट स्वामीनाथन को गिरफ्तार करते हुए यह अदालत मिस सारिका जायसवाल को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज। थैंक यू केडी, थैंक यू सो मच। यू वेलकम।